जय माता दी, राधे राधे। आइए जानते हैं छठ महापर्व 2024 कब है। नहाय खाय से लेकर सूर्योदय अर्घ तक जाने छठ पूजा का सही डेट और महत्व। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाई जाती है। इस पर्व के दौरान भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना और अर्घ देने का विधान है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं विधि पूर्वक करती हैं, साथ ही पुरुष भी। जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए भगवान सूर्यदेव की उपासना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातक को सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल होता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल छठ पूजा नहाय खाय और खरना किस दिन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार छठ पूजा के पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। वहीं इस त्यौहार का समापन सप्तमी तिथि पर होता है। ऐसे में छठ महापर्व 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक मनाया जाएगा। छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाय किया जाता है। इस दिन स्नान और भोजन करने का विधान है। पंचांग के अनुसार इस बार 5 नवंबर को नहाय खाय किया जाएगा। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना पूजा होती है। इस दिन महिलाएं नए मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाती हैं। इसके बाद उसे भोग के रूप में छठी मैया को अर्पित किया जाता है। इस दिन पूजा के बाद व्रत की शुरुआत होती है। इस बार खरना पूजा 6 नवंबर को है। इसके अगले दिन यानी तीसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस बार 7 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ देने का विधान है। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। इस पर्व का समापन 8 नवंबर को है। छठी मैया की कृपा होती है प्राप्त। छठ पूजा के शुभ अवसर पर सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा प्रत्युषा की विधि पूर्वक उपासना करने का विधान है। मान्यता है कि पूजा करने से जातक को छठी मैया की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।